केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में पिछले 15 दिनों से कई किसान संगठन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताते हुए पुणे शहर युवक कांग्रेस की ओर से सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर के सामने आंदोलन किया गया। इस समय युवक कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और किसान कानून को रद्द करने की मांग युवक कांग्रेस की ओर से की गई है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठना पिछले 15 दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रही है। दिल्ली में किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु पुणे शहर में युवाओं ने मिलकर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान कानून का पिछले कई दिनों से किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में पुणे युवा कांग्रेस ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और आंदोलन कर आज केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और किसान कानून को रद्द करने की मांग की गई। ये आंदोलन महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष शिवराज मोरे के नेतृत्व में किया गया। साथ ही इस आंदोलन में कई युवा कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व युवक कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज मोरे ने किया। इस समय पुणे शहर अध्यक्ष विशाल मलके, पिंपरी चिंचौड अध्यक्ष नरेंद्र बंसोड़े, उपाध्यक्ष सौरभ अमराले सहित सुमित नवले, इंद्रजीत सालुंखे, निखिल कविश्वर, प्रताप काले, ऋषिकेश साठे, अभिजीत रोकड़े, कुणाल काले, प्रताप शिलिमकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुणे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर के सामने जुट गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पुणे में हल्की बारिश हो रही थी लेकिन कार्यकर्ता इस बारिश में भी वहां पर बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। करीब एक घंटे के बाद कोतरुड़ पुलिस यहां पहुंची और उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज़, पुणे।